बाला साहब ठाकरे द्वारा 19 जून 1966 को स्थापित शिवसेना ने आज बिहार प्रदेश में अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। शिवसेना ने बिहार में आशुतोष झा को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी सौंपी है। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशुतोष झा ने साफ साफ कह दिया कि उनकी पहली प्राथमिकता बिहार में शिवसेना के संगठन को गाँव-गाँव तक विस्तार करना है। उन्होंने विस्तार से बताया कि सबसे पहले वो प्रदेश स्तर पर समाज के सभी वर्गों को लेकर एक मजबूत नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करेंगे। इसकी घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ बिहार के सभी 38 जिलों में मौजूद शिव सैनिकों को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें पूर्व के लोग जो अच्छा काम कर रहे थे उनको भी पार्टी ध्यान में रखेगी। इसके साथ ही पार्टी बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा प्रभारी की नियुक्ति करेगी। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा मुझे बिहार प्रदेश शिवसेना का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी के निमित्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। इसी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 19 जून 1966 को हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे के द्वारा शिवसेना की स्थापना की गई थी। ये शिवसेना 56 साल पुरानी पार्टी है और इसको किसी पर सब लोग आप लोग जानते ही होंगे। तो मुख्य रूप से यही बताने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। नियुक्ति के बाद एक बैठक हम लोगों की अभी 11 जून को श्रीनगर में सभी राज्य के प्रमुखों की बैठक 11 जून को माननीय एकनाथ शिंदे जी के द्वारा बुलाया गया था। मैं भी उस बैठक में मैंने भी भाग लिया और हम लोगों को जो निर्देश हुआ वहां से कि अपने अपने राज्यों में हम लोगों को शिवसेना को मजबूत करना है, संगठन पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना है। उसी में हम लोग भी अभी संगठन के विस्तार में मुख्य लोग हम लोगों का यही है कि हम लोग संगठन का विस्तार करें। शिवसेना का पहले से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अब चूँकि मैं नया प्रदेश अध्यक्ष बना हूं तो मुझे नई कार्यकारिणी का यहां गठन करना है। सभी लोगों को लेके जो पुराने लोग हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं शिवसेना में उनको भी जोड़ना है, नए लोगों को भी जोड़ना है। प्रदेश कार्यकारिणी जो है वो गठित करना है हमको। 3800 जिले में नए पुराने लोगों को लेके जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करनी है, जिला का संगठन मजबूत करना है और हमको गांव-गांव तक पहुंचना है। हमको शिवसेना का जो शाखा का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो शिवसेना का शाखा हमको गांव-गांव तक पहुंचाना है। यही मुख्य रूप से अभी हमारा ये प्लानिंग है शिवसेना की। बाकी आप लोग जो पूछना चाहें, आने वाले चुनाव में शिवसेना क्या करेगी, सभी जगह से अपना सीट से उम्मीदवार खड़ी करेगी? देखिए ये कहना अभी थोड़ा प्री मैच्योर होगा। अब देखिए मैं ठीक है, मुझे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बिहार का, लेकिन मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और ये चीज़ें जो हैं ये जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं उनको ये निर्णय लेना है कि हमको क्या करना है। वैसे मैं अपनी जानकारी से आपको ये बता दूँ और आप लोग सब लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, हमारी पार्टी के जो मुख्य नेता हैं आदरणीय एकनाथ शिंदे जी वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते हैं। अभी हमारी सरकार वहाँ चल रही, केंद्र में भी हम सरकार को समर्थन कर रहे हैं, हमारे जितने भी सांसद हैं सब लोग NDA के पार्ट हैं। लेकिन देखिए अन्य राज्यों में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, अभी ये कहना प्री मैच्योर होगा। ये जब लोकसभा का चुनाव अभी 10 महीने लगभग 9-10 महीने हैं, जब लोकसभा का चुनाव नज़दीक आएगा उस समय फिर हम लोग अपनी बातों को रखेंगे वहाँ, वहाँ से फिर जो निर्देश होगा वो हम आप तक कन्वे करेंगे। एक बीच में ये मैं जानकारी दे दूं कि अभी तत्काल हम लोगों ने कुछ नियुक्तियां की हैं जिसमें कि प्रदेश उपाध्यक्ष सह मुख्यालय प्रभारी हमारे राजेश कुमार सिंह जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कमलेश कुमार जी हैं, उसके बाद हमारे प्रदेश महासचिव जी हैं मुकेश कुमार महतो जी, उसके बाद हमने युवा प्रकोष्ठ, हमारे यहाँ शिवसेना की भाषा में युवा सेना कहा जाता है, तो युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री DK पाल जी हैं, उनके बगल में श्री कुंदन सिंह यादव हैं, ये हमारे क्रीड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो
तो ये कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं तो मैंने इनका नाम बता दिया। बाकी फिर जो डिटेल्ड कार्यकारिणी की, क्योंकि हमारा बड़ा कार्यकारिणी होगा प्रदेश का, तो जब एक बार फाइनल हम लोग कर लेंगे तो फिर हम लोग एक प्रेस रिलीज करके आपको उपलब्ध करवा देंगे।